अब हम बात कर लेते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों की। तो भाई अभी तक हम लोगों ने जब अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में बातें की तो हम लोगों ने देखा कि इनके परमाणविक स्तर पे या फिर ये हम लोग बोल सकते हैं कि किसी कक्षा में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से जो है हम लोगों ने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या की। लेकिन जब हम लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थों में जो है किस प्रकार के जो है पदार्थ आते हैं, इस्पात आता है, लोहा आता है, निकिल कोबाल्ट और गैलेडिनियम जो है ये सारे के सारे पदार्थ आते हैं। अब इन पदार्थों की जो है एक विशेष प्रवृत्ति होती है। मान लेते हैं कि मैंने एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा लिया, अब क्या इसमें कोई चुंबकीय प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है नहीं। लेकिन जब मैं जो है इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आएगा? यहाँ पर मुझे इसके अंदर जो है बहुत सारी कॉलोनीज यानी कि सेक्टर्स नज़र आएंगे। अब ये सेक्टर्स के साथ में जो है विशेष बात क्या है ये हम देखते हैं। हर एक सेक्टर में बहुत सारे परमाणु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनकी जो है मूल चुंबकीय प्रवृत्ति इस प्रकार से हो। लेकिन ये सारे के सारे सेक्टर्स जो है या सारे की सारी कॉलोनीज जो है कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि अंत में जो है ये सारे की सारी कॉलोनी अपनी मूल चुंबकीय प्रवृत्ति को एक दूसरे के प्रभाव में कैंसिल कर देते हैं। मतलब मूल रूप से जो है इसमें किसी भी प्रकार का चुंबकीय प्रभाव हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखा तो तो उसके बाद में हमें यहाँ पर मूल रूप से चुंबकीय प्रभाव नज़र आने लगते हैं। तो ये कॉलोनी का पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे ही आप जो है क्या करेंगे, बाहर से जो है चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने के साथ ही अब क्या होगा कि इसी लौह चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े में जो हम लोगों ने कॉलोनियाँ बनाई हुई थी, इन कॉलोनियों का प्रभाव कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये कॉलोनियाँ जो है अपने अपने चुंबकीय सेक्टर्स को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश जो है व्यवस्थित कर लेंगे और यहाँ पर हमको बहुत ही स्ट्रांग यानी कि बहुत ही तीव्र चुंबकीय प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये आपस में जो है ये कॉलोनियाँ एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर रही हैं, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये सारे के सारे घूम कर अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि हमको यहाँ पर बहुत ही तीव्र चुंबकीय प्रभाव दिखने लगता है। और इसीलिए जो है हम देखते हैं कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वो बिल्कुल चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। यदि हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि यही काम यहाँ पर भी हो रहा था कि रैंडम ढंग से बिखरे हुए, लेकिन ये प्रत्येक परमाणु की बात कर रहे थे हम। हर एक परमाणु अपने आप को उस दिशा में व्यवस्थित करता है और यहाँ पर बहुत ही तेज चुंबकीय प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम जो है लौह चुंबकीय पदार्थों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो डोमेन नज़र आ रहे हैं, ये डोमेन जो है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए डोमेन हैं। अब ये डोमेन जो है जैसे ही चुंबकीय प्रभाव में आते हैं सारे के सारे एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और हमें बहुत ही तीव्र चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो अब लौह चुंबकीय पदार्थों की जो है विशेष गुणधर्म को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं, इनको बहुत ही स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की चुंबकन प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा तेज है। दूसरी बात है, लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दिया जाए तो वह क्षेत्र के समांतर हो जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है तो चुंबक जो है वो लटक कर इस तरीके से अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर गति करने लग जाएंगे। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम जब इस्पात यानी कि लोहे का जो है खनन करते हैं तो उसके अयस्कों की जो है शुद्धि के दौरान हम इस मतलब व्यवहार का उपयोग कर लेते हैं। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र की दिशा में ही तीव्रता से चुंबकित हो जाता है और उसमें ध्रुव प्रेरित हो जाते हैं।
मतलब इसमें चुंबकन तीव्रता कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकीयशीलता बहुत अधिक होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि यह चुंबकीय प्रवृत्ति जो है बहुत अधिक और धनात्मक होती है। इसका मतलब यह है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स जो है वो बहुत अधिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब हम क्या बोल रहे हैं कि क्यूरी के नियम का पालन करता है, तो ये क्यूरी का नियम क्या है ये हम बहुत जल्दी सीखेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाओं का या चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ जो है समांतर जा रही चुंबकीय बल रेखाएँ थोड़ी दूर हट गई हैं और इसके अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो है बाहर की तुलना में कम है। उसी के विपरीत जब हम जो है अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है दबी हुई आपको चुंबकीय बल रेखाएं नजर आ रही हैं और यहाँ पर जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है बाहर की तुलना में अधिक है। इसके विपरीत जब हम जो है इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो इसके लंबवत जो है लटक गया है, ठीक है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसके समांतर हो गया है और लौह चुंबकीय पदार्थ भी इसके समांतर हो जाता है। तो आपको लौह चुंबकीय पदार्थ में भी देख रहे हैं कि इसके अंदर से आसानी से चुंबकीय बल रेखाएं पार हो सकती हैं, चर्चा खत्म होती है। आप सभी को धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना स्नेह दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया। अब हम जो है इसके पूर्व प्रश्न पत्रों से जो है उठाकर प्रश्नों को पढ़ना चालू करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होने वाली है एग्ज़ाम की बातें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।